एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल वेल। और आज मैंने ना व्लॉग स्टार्ट किया है 6:43 पे। इतनी लेट इसलिए क्योंकि आज मैंने फैसला किया था मैं आज काम वाली दीदी को लेके ही आऊंगी। और मैं सुबह उठी, रोबिन उठे लेट, 10 बजे उठे थे। उसके बाद खाना, नाश्ता, बच्चों का नाश्ता, रोबिन की 2-3 क्लास थी वो उन्होंने कवर करी, मेरी भी पूजा वगैरह, नहाना धोना, थोड़ा बहुत घर का सेटलमेंट। तो 1 बजे हम दोनों फ्री हुए, 1 बजे हम घर से निकले। और आपको सच्ची बताऊँ, हमने पूरा एरिया इधर भी अपने आसपास के पूरे एरिया में गए देखने, बात करने, तो कुछ मिली तो। लेकिन वो दीदी ना बहुत कॉस्टली बता रही थी, इतने मतलब मैं पूरा मतलब अपना सब कुछ करा लूँगी, इतना मतलब कॉस्टली। चलो ले लो भाई, मेरी सिचुएशन है, मुझे ज़रूरत है, आपका भी काम है, चलो आप मेरे लिए टाइम निकालेंगे, स्पेशल मैं कॉस्टली पे कर दूँगी, लेकिन इतना नहीं हो पाता। मतलब मैंने पूरा एरिया देख लिया, हम घर में घुसे 5 बजे, और 5 बजे घुसने के बाद भी हमें कोई काम वाली नहीं मिली है, कोई हमारी हेल्प करने के लिए दीदी नहीं तैयार। आई डोंट नो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। भगवान जी चाहते हैं कि मैं झाड़ू पोछा ही लगाऊं, ना बनाऊं वीडियोस तो ऐसे ही कह दे, इतना तड़पाने की क्या जरूरत है यार। मैं आपको मिलवाती हूँ लड्डू और कनिका से। ये लड्डू ने लिप्स पे मेरी नेल पेंट खाने की कोशिश करी है, ये देखिए। और ये कह रही है आईलाइनर खोल के दो, मैं लगाऊंगी, मैं खोल के देखती हूँ, देखती हूँ करती क्या है। अरे क्या करोगी, ओहो ये नेल पेंट समझ रही है इसको, क्रिएटिविटी। और मेरे बालों पे लगा रही हूँ, पिटाई हो जाएगी। नहीं ले लेती हूँ, बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है, क्या पता इसमें कैसे केमिकल हो। और फेस पे नहीं लगाऊं, गंदा चिच्ची का बच्चा, चिच्ची का बेबी। ये मैंने इसे बंद करके देख लिया बेटा, गंदा ये चिच्ची है। अच्छा आप दूसरा ले लो, दूसरा कुछ ले लो आप। और हाथ में लगवा लीजिए चोट, कहते हैं बच्चों को बोलना नहीं आता, ये देखिए। अभी रात के हो रहे हैं 10:29, मतलब 30 होने वाला है, 1 मिनट बची हुई है, 10:29 हो रहे हैं। मैं वेट कर रही हूँ अपने बाबू का, रोबिन का। रोबिन लेट हो गए हैं, थैंक यू बेटा, बहुत ही अम्मी है। ये लड्डू है जो चाय उधर से भर के ला रही हो, मुझे दे रही है। तो रोबिन हो गए हैं लेट, कह रहे थे 1 घंटे में आ जाऊंगा 10 बजे तक, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। खाना मेरा बनाने का मन नहीं है, सब्जी सुबह की रखी है, और बच्चे कह रहे हैं कि रोटी के साथ सब्जी नहीं खानी है, तो उनको कुछ और देना पड़ेगा, मतलब मलाई वगैरह रख के, चीनी वगैरह ऐसे करके लालच दे के खिलाना पड़ेगा। तो मेरा अकेले का बनाने का फिर मन नहीं है, मैं क्या बनाऊँ। बहुत ही अम्मी है, बहुत ही अम्मी है बेटा, थैंक यू। ये देखिए वहाँ से भर के लाएगी ये चाय, पहले खाली हाथ आएगी फिर वो लेके आएगी कप। कनिका है अंदर, अभी टाइम हो रहा है 10:48। रोबिन अभी आए हैं और हमने डिसाइड किया हम मार्केट तक जाएंगे, रोबिन के पेट में इन्फेक्शन है तो कुछ चीज़ें ऐसी लेके आएंगे जो उनको नुकसान ना करे, फिर आके कुछ खाएंगे पिएंगे। नमस्ते कनिका, एक बात बताओ, आप अपनी बहन को क्यों नहीं संभालते? अरे संभालती तो हूँ। नहीं संभालते क्यों नहीं हो? अरे वो शैतान है ना, समझेगी नहीं। लिफ्ट आ गई। हाँ लिफ्ट आ गई। और ये कितनी खुशी की बात है, लिफ्ट आ गई मतलब कंफर्म हो गया, अब हम नीचे जाएंगे। कितनी खुशी की बात है लड्डू, है ना, कितनी खुशी की बात है। A few moments later. कितनी हंसी की बात है। हाँ सब हंसो, कितनी हंसी की बात है। और ये बहुत क्या हो गया, क्या हो गया बेबी को,
हाँ बैठ जाओ आप पहले मेरे ऊपर बेबी। पापा के पास रहो मैं उसे पकड़ती हूँ। बेटा प्लीज बाबू भी बाबू कभी कुछ आ जाए रोड है ठीक है आ जाओ। लड्डू की हमेशा की आदत है वो पापा का वेट नहीं करती और भाग जाती है। दीदी ये री आजी पापा पापा जे चीनी चीनी क्या है चीची मामा हाँ जी चीची कहाँ है चीची बताओ क्या क्या कहाँ है चीची मैं चीची नहीं हूँ नहीं आपको नहीं बोल रही वो उसे भी तो बेटा दाल मखनी बोलता है ये क्या है ये बेटा आलू गोभी की सब्जी है क्या है बेटा ये दाल है ये मटर पनीर बना हुआ है ये नान बनी हुई है ये दाल मखनी बनी हुई है ये चाप होती है और ये रसगुल्ले जाना कहाँ था आ गए कहाँ हमने पार्टी में चाप खाई थी ना तो बाहर बाहर घूम गए कनिका पूरे पराठे में से सिर्फ यही खाई थी सिर्फ यही हिस्सा उसको खाना है बेटा बोलो तीन सौ खाओ और रोबिन अपने लिए ब्रेड लेके आए हैं कनिका अपने लिए मैगी लेके आई है और लड्डू अपने लिए मूंग की दाल नमकीन लेके आई है। खाना तो फिर भी बनेगा वो तो कंफर्म है। रोबिन कह रहे थे कि खाना नहीं बनाओ लेकिन खाना तो फिर भी बनेगा। लड्डू अगर रोटी नहीं खाएगी तो सोएगी नहीं गहरी नींद में। और कनिका भी मैगी थोड़ी बहुत देर के लिए पेट भरती है रोटी रोटी होती है। कनिका घर जाना कैंसिल क्या कर रहे हो किसी कर रही है लड्डू किसी और बाबा थैंक यू सो मच बेबी थैंक यू सो मच थैंक यू अरे बॉय थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू बेबी इतना प्यार थैंक यू सो मच बेटा मामी बेटे मामी बेटा हम मक्खन लगा के अच्छा बेटा चलो मैं और आप चलते हैं। इतना प्यार लड्डू आए जब वो किसी करती है ना तो ग्लूली होती है गालों पे मतलब बहुत स्किन उसकी सॉफ्ट लगती है छोटे छोटे लिप्स। रोबिन आपको देख के बैठ गई लड्डू ओ रे अच्छा यम्मी यम्मी घर चल के खाएंगे इसमें रखिए लड्डू की नमकीन जो उसको घर चल के खानी है। अभी लड्डू घर जा नहीं गई थी कनिका थकी हुई थी तो मैं जा रही हूँ घर रोबिन लड्डू को घुमाएंगे वो थक जाएगी तो तब ऊपर आएंगे वो थकती नहीं है हम थक जाते हैं। वो रेड पे ना ये जहाँ पे लड्डू ने मारा था खुजली हो रही है कनिका ध्यान से बेटा। अभी मैं जो जा रही हूँ घर हम लोग घर जा रहे हैं अभी टाइम हुआ है 12:05 आप देख लीजिए दिन में हमारी शूट कम क्यों होती है लेट तक हम क्यों सोते हैं। हाँ जी अपने दिन में शूट करते हैं ना बर्बाद करते हैं तो ना फाइनली घर हाय अभी टाइम हुआ है 1:01 अब रोबिन और लड्डू और कनिका सबने खा लिया है अब सोने की तैयारी है। अब टीवी बंद करके हाँ इसको कोको हम दे देंगे इसके रैम्स का नाम है कोको इसको कोको दे के बिठा देंगे। कनिका को मैं सुलाऊंगी फिर रोबिन हमेशा की तरह लड्डू को संभालेंगे मैं और कनिका सो जाएंगे। तो आज के लिए शूट करूंगी मैं इतना ही। तो लड्डू पहुंच गई है अपने पापा का फोन लेने के लिए तो आज के लिए शूट करूंगी मैं इतना ही। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑलवेज एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्स केयर थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एज ऑलवेज थैंक यू सो मच ऑल बाय गुड नाइट टेक केयर।